तो कैसे हो आप लोग? सो गाइस, तो काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे एक्टिवेट नहीं था। ये जर्नी जो मैंने यूट्यूब की स्टार्ट करी थी वो कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट करा था अपना चैनल। उस टाइम गाइस जब मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करी तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था काफ़ी टाइम तक, ठीक है। पेजेस से लाइफ में उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया। बिजी ऐसे हुआ कि जब आप कोई भी स्टार्टअप करते हो तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, आपको टास्क को डेलीगेट करना पड़ता है, आपको टीम को मेंटेन करना पड़ता है, आपको क्लाइंट से मिलना पड़ता है, आपको काफ़ी सारे काम इनिशियल लेवल पर खुद ही करने पड़ते हैं क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो बहुत ज़्यादा लोगों को अभी इनरोल करना अपने कंपनी के अंदर, क्योंकि आपका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है या फिर उतने प्रोजेक्ट्स भी नहीं होते हैं कि आप हायर भी कर लो तो उन पर कैसे पे करोगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी, तो उन सब चीज़ों में मैं फिगर आउट वगैरह कर रहा था। तो अभी भी उन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ, बट इन बिटवीन कुछ चीज़ें मैंने सीखी कि किस तरीके से जो इंडियन हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सेल्स मार्केटिंग टीम काम करती है। काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं गाइस इन सब चीज़ों में। जो कॉलेज का स्टूडेंट है जो आज के टाइम पे सोच रहे हैं कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे कोई कंपनी बनानी है, मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑनलाइन लेके आना है, किसी दिमाग में इनोवेटिव आइडिया है वो लेके आना चाहता है कि हाँ लोग इसे देखें। मनी पैसा कमाए ना कमाए वो एक अलग मैटर है कि लोग तक एटलीस्ट रीच तो हो, पैसा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात होती है, ठीक। ऐसी चीज़ें देखी जो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं शेयर करूँगा, क्योंकि मेरी कैसी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं भी एक 23 साल का लड़का हूँ, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से कॉलेज के जो बिल्कुल ही टीन एज हैं, जो मेरे से थोड़ा जूनियर ही होंगे, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में होंगे, तो वो किस तरीके से चीज़ें सोचते हैं, मैं उन सब चीज़ों से रिलेट करता हूँ। तो उस साइकोलॉजी के थिंकिंग पैटर्न पे आके मैं बात करूँगा जिस तरीके से मतलब हम लोग इंटरलेट कर पाएँ, जो बिल्कुल इनिशियल फेज़ पे हैं, अपना करियर बिल्डअप कर रहे हैं, स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्टअप कर चुके हैं, मेन प्रॉब्लम्स हैं, वो सब डिस्कस मैं करूँगा। जब मैं क्लाइंटों से मिलता था तो मैंने कुछ चीज़ें फाइंड आउट करी जो मुझे लगता है कि अगर मैं शेयर करूँगा तो शायद किसी का बेनिफिट हो पाए। और दूसरी चीज़ कि मैंने कम बैक करा इस चैनल पे, नॉट बिकॉज वो मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए और ये सब वो सब, बट देर आर थिंग्स कि मुझे लगता है उसके बारे में बात करना चाहिए, ठीक है। जितने मेरे IT में मेरी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मैंने जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, जो मैंने पढ़ रखी है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। अपने जो भी IT के अंदर लोग हैं काम करते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे गलत हो रही हैं, ठीक है, और मोस्टली चीज़ें गलती हो रही हैं। इंडियन IT इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से हम लोग सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बात करूँगा, किस तरीके के बिजनेस जो हैं उनके पास सेल्स का S भी नहीं है और वो अभी भी लाला मेंटालिटी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजनेस का वो अभी भी उसी के ऊपर चलता है, वो अभी भी पूरी तरीके से, क्या मैं बोलूँगा, बहुत कम तरीके से ऑनलाइन आ पाया, बहुत ही कम, बिल्कुल। अब मैं ये बोलूँगा कि मुझे लगता है 10% है जो वो भी ऑनलाइन आ पाया है। इंडियन जो बिजनेसेस हैं, जो MSMEs हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि मेरी खुद की एक मार्केटिंग कंपनी है, सो मैंने वो सब चीज़ें फिगर आउट करी हैं। कुछ इंडियन क्लाइंट्स हैं, कुछ फॉरेन क्लाइंट्स हैं, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो किस तरीके से मतलब वो डिफरेंट है वहाँ से और यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है, तो वो सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो गाइस, कोई भी अगर अपनी कंपनी बिल्डअप करने के बारे में सोच रहा है या फिर कुछ इस तरीके से स्टैंड आउट करना है, ठीक है, और अभी वो कॉलेज में है, तो वो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए होने वाली है, ठीक है। ये वीडियो सबके लिए नहीं होने वाली है। पर्टिकुलर जो कुछ करना चाह रहे हैं इनिशियल फेज पर, अपनी लाइफ में कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप बिल्डअप करना चाहते हैं, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ ऐसा जो कि उन्हें पैसिव इनकम भी हो प्लस उससे उन्हें कुछ सीखने को मिले, जो कि आज के टाइम पे AI आ गया है तो आपको पता है कि जॉब्स जो हैं कितनी ऑब्सोल्यूट होने वाली हैं। सो लोग बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म इनकम के पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह के पीछे भाग रहे हैं, स्किल्स को एक्वायर कोई करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। स्किल ही ऑब्सोल्यूट होगी मुझे तो ऐसा लगता है, बट सच्चाई तो यह है कि स्किल कभी ऑब्सोल्यूट नहीं हो सकती। आज आप AI टूल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, कल हल्का सा ट्विक आएगा ना AI टूल में, धम से गिरोगे दोबारा से ज़मीन पर, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप भी यही सब चीज़ें सोचते हो और स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हो, कम्युनिटी बनाना चाहते हो, इंडियन ओपन सोर्स कम्युनिटी के बारे में बात करूँगा जो कि बहुत ही घटिया है, इंडिया की ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है इंडिया में ओपन सोर्स कम्युनिटी के नाम पे, ठीक है। इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज़्यादा मतलब एक्सेसिबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इंडियन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, इसमें बोलने में कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसके मैं बैक्ड भी करूँगा डेटा से और इसके कुछ मेजरमेंट्स भी दूंगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को, टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड हो, स्टार्टअप्स के बारे में इंटरेस्टेड हो, किस तरीके से मार्केटिंग वर्क करती है बिल्कुल इनिशियल फेज पर, बिल्कुल गाइज मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जैसे कि होता है ना कि आप सॉफ्टवेयर देखा आपने ऑनलाइन बनाना, कोई बोलेगा आपको आधे घंटे में सॉफ्टवेयर बना कर दिखा दूंगा, आपने सिर्फ वो सेशन देख रहे हो आधे घंटे का और आपको सब कुछ आ गया, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सच में कुछ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बस मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा, जैसे कि लाइव सेशन वगैरह करूँगा, लाइव क्लासेस वगैरह करूँगा, कंसल्टेंसी करूँगा। जो मेरे से जूनियर है उन्हें कुछ गाइडेंस चाहिए होगी अगर इन IT में, ठीक है, किस तरीके से उन्हें किस लेवल पर जाना है, अभी किस लेवल पर है, तो उन्हें भी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। अगर वो हैकिंग कर रहे हैं, हम एथिकल हैकर 2, तो उनके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ चैनल के ऊपर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बिल्कुल रूडीमेंट्री लेवल जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिल्कुल रूट पे अगर आप कोई भी फेस कर रहे हो चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं मेनली इस चैनल के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस पॉडकास्ट को ठीक तरीके से सुनोगे तो आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए गाइस मैं पूरा एक इकोसिस्टम बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हमारी एक ओपन सोर्स कम्युनिटी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। गाइस इंडिया में पहली बार ऐसी कम्युनिटी जो सच में प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, जी हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। इंडिया में कोई भी एक भी ओपन सोर्स कम्युनिटी तो सच में कोई ढंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, एक भी AI बेस्ड स्टार्टअप नहीं है, अच्छा या फिर 0 स्टार्टअप है मेरे हिसाब से तो। और जो कंपनियाँ क्लेम करती है AI बेस्ड स्टार्टअप, और जब उनके पास रिसर्च होती है ना उनके ऊपर, तो उनको पता लगता है कि वो AI तो यूज़ ही नहीं कर रहे। और मुझे मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि उनको ये भी नहीं पता होगा AI वर्क किस तरीके से करता है, वो इतने लोग नालायक है, ठीक है। आपको भी अगर इस तरीके से थोड़ा डीप जाने का शौक है, थोड़ा रियलिटी के ऊपर बात करने का शौक है, अगर आप सच में सीखना चाहते हो, बिल्डअप करना चाहते हो अपने कैरेक्टर को, अपनी स्किल को, तो आप इस चैनल को देख सकते हो। कुछ वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स वगैरह मैं बारे में बता ही चुका हूँ किस तरीके से हम अपना खुद का स्टार्टअप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एटलीस्ट बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और आगे जाके कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा तो मैं उससे रिलेटेड जो भी मैंने कुछ सीखा होगा उनसे रिलेटेड मैं कंटेंट भी यहाँ पे डालता जाऊंगा, ठीक है। और इस यही सब बातें गाइस होंगी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पॉडकास्ट वगैरह में, और इस चैनल पर मैं बात करूंगा कुछ बुक्स के बारे में भी, जब भी आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हो, हम एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में या बुक के बारे में डिस्कस वगैरह करेंगे उस लाइव सेशन में, उस पॉडकास्ट में, ठीक है, जो कि ऑनलाइन ही होगा। ऑफकोर्स डिस्कॉर्ड के ऊपर होगा, जूम के ऊपर भी रख सकते हैं। तो वहाँ पे हम कुछ इंस्टिंक्ट वगैरह शेयर करेंगे जिन्होंने बुक पढ़ रखी होगी कि उन्होंने क्या सीखा, और उससे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट एक्चुअली हम निकालने की कोशिश करेंगे। IT में जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह सीखना चाहते हैं, जो कुछ वेब डेव में, एथिकल हैकिंग में, ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब भी मेरा जो ऑफिशियल चैनल है फील सेफ का ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं उन्हें गाइड करूँगा बिल्कुल फ्री में, कुछ भी पैसे वैसे नहीं है, ठीक है। आप ज्वाइन करो, वहाँ पर आप कुछ प्रोजेक्ट बिल्डअप करते हो, वहाँ पर कुछ आपको डाउट्स वगैरह आते हैं, अगर वो मेरी एक्सपर्टीज़ के अंदर होगा तो वहाँ पे मैं सोल्यूशन दूंगा। वरना गाइस ये ओपन सोर्स कम्युनिटी है, इसके अंदर हम बहुत लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे फील सेफ के अंदर। जो जो जुड़ते जाएंगे, जब हम वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, वहाँ पे पूरा ट्राई करेंगे इस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की, आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, इतना आप समझ लेना। शॉर्ट टर्म कंटेंट के फैन हो, रील के, टिकटॉक के, तो ये चैनल मत ही देखना आप लोग, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत धीरे, स्लो, वैल्यूएबल और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही आने वाला है, बोरिंग, जो शायद आपके काम आए कुछ टाइम बाद, इंस्टेंट काम भी ना है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं इंडियन IT इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैंने देखे, मैंने फेस करे, जो मैंने सीखा, और देखते हैं गाइस आपको पसंद आता है नहीं आता। सो सब्सक्राइब कर दो फील सेफ चैनल को अगर आप सच में एक एज अ फाउंडर हो, एज अ क्रिटिकल थिंकर हो, अगर आप लाइफ में कुछ सच में करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो।